नमस्ते विद फोल्डेड हैंड्स, नमस्ते नमस्ते। चिल्लर ना गिर जाए मेरे। ओए 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 ओ तेरी। नो नो टर्की, नो कनाडा, इंडिया। वेलकम। Hey guys, welcome back to the channel. I hope you are doing absolutely amazing. और आज एक special दिन है टोक्यो जापान में, because आज हम एक स्पेशल जगह एक्सप्लोर करने वाले हैं। आई मीन टोक्यो का डिज्नीलैंड। जी हाँ, जब हम हांगकांग में थे 2 महीने पहले, तब भी हमने डिज्नीलैंड का अनुभव किया था। ये मेरा सेकंड डिज्नीलैंड होने वाला है वर्ल्ड वाइड का, तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ, बिकॉज डिज्नीलैंड नाम सुनते ही एक्साइटमेंट शुरू हो जाती है। बस वही बात है, इस वक्त मैं मेरे हॉस्टल यानी कि शिंजुकू इलाके से निकल रहा हूँ, मेट्रो पकड़ रहा हूँ, टोक्यो स्टेशन जाऊँगा और वहाँ से फिर डिज्नी की मेट्रो पकड़ के, ये पूरा प्रोसेस 1 घंटे का लगेगा। अब बच चुके हैं सुबह के 10:30, 11:30 तक पहुंचूंगा, 12:45 तक पकड़ लो, उसके बाद एंट्री करूंगा और पूरा दिन हम अनुभव करना शुरू कर लेंगे डिज्नीलैंड टोक्यो को। सो हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल केम छो जय जिनेंद्रायण वणक्कम। एक तो ये शिंजुकू स्टेशन इतना कंफ्यूजिंग है ना, मतलब दुनिया का सबसे बिजिएस्ट है ना ये स्टेशन, इससे ज्यादा भीड़ आपको कोई भी स्टेशन में नहीं मिलेगी। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेशन है न्यूयॉर्क में, है ना, लेकिन दुनिया का सबसे बिजिएस्ट स्टेशन है शिंजुकू स्टेशन, जो कि ये जापान टोक्यो में है। तो यहाँ से मेट्रो की सही लाइन पकड़ के सही जगह जाना भी बहुत एक टास्क है, कंफ्यूजिंग है, लेकिन जापानीज के साथ साथ इंग्लिश में भी हर जगह मेंशन है, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं है वैसे। होए फाइनली हम पहुंच गए टोक्यो के डिज्नीलैंड, और अंदर से अभी बच्चा आना बाहर शुरू हो जाएगा, सच कह रहा हूँ। मेन गेट वहाँ पे है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ यहाँ से एंट्री मारूँ, बिकॉज ये शॉप्स है ना ये कनेक्टेड है, तो एसी एयर कंडीशनर इधर से ही चालू हो जाएगा। ऐसे भी गर्मी है ना, 32-34 डिग्री सेल्सियस है फिलहाल अभी टेम्परेचर, इतनी गर्मी में कौन अभी वो मेन गेट पकड़ेगा। इससे अच्छा आए हाय हाय हाय, दुकानें भी दिख जाएगी अच्छी अच्छी, प्रोडक्ट्स भी देख लेंगे और बहुत कुछ देख लेंगे, मतलब वही बात है। ये डिज्नी टी शर्ट्स कितने मस्त है ना, प्यारे एकदम, लेकिन रेट क्या लगता है आपको क्या होगा, चलो बताओ गैस करो। वैसे तो मैं आपको रेट्स बताने ही वाला हूँ, हालांकि ठीक है बता ही देता हूँ, अभी क्या ही गैस करोगे। 15,000 येन यानी कि इंडियन करेंसी में कितना हुआ, 8,500 रुपये का। ये लोग ये टी शर्ट बेच रहे हैं कि शक्तिमान का कॉस्ट्यूम बेच रहे हैं जिससे आप उड़ भी सकते हो, हाँ इतना महंगा। बाकी इधर पब्लिक एक दो नहीं, पूरे बकेट के बकेट खरीद लेती है, मैंने हांगकांग में भी देखा था, एक दो से मनी नहीं भरता है पब्लिकों का, 1-1.5 लाख का जब तक बिल ना बने, लोगों को मजा किधर आता है। ऑल राइट गाइज, बहुत हो गया टाइम पास शॉप में, अभी एंटर कर ही देते हैं डिज्नीलैंड के मेन रिसोर्ट में, जहाँ पे एक से एक एक्सपीरियंसेस और झूले वूले जो भी है सब अनुभव करेंगे, बिकॉज ऑलरेडी अपन लेट है ना, 12 बजे अपन ने एंट्री मार रहे अभी, जबकि लोग तो यहाँ 10 बजे सुबह आ जाते हैं। कोई नहीं, देर आए पर दुरुस्त आए, मजे तो पूरे करके जाएंगे।
गए एंटर, मजा आएगा अभी, है ना? ये सो गाइस, टोक्यो डिज्नीलैंड की एंट्री फेयर की बात करूं, एंट्री टिकट की बात करूं तो $60 नॉर्मल डेज पे लगता है, और फ्राइडे सैटरडे संडे इसमें $64 लगता है। आज फ्राइडे है तो जाहिर सी बात है $64 की यूएस डॉलर की टिकट है। एनीवेज अगर बुक कहाँ से करना है तो ऑनलाइन आप बुक कर सकते हो, दे आर लॉट ऑफ ऑप्शंस। जैसे ही आप डालोगे टोक्यो डिज्नीलैंड तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। और मेरे को कितने में पड़ा, तो भैया मेरे को फ्री में पड़ा है। अभी आप पूछोगे कि क्या फेंकते हैं प्रतीक भाई, आई मीन फ्री में कैसे मिल सकता है, तो इसका मतलब है आपने मेरा कोर्स नहीं खरीदा है, हाउ टू बिकम ट्रैवल ब्लॉगर एंड हाउ टू अर्न मनी वाइल ट्रैवलिंग, कैसे आपको फ्री में स्पॉन्सर ट्रिप्स मिल सकती है, सारी चीज़ें, सारी गाइड, सारे तरीके मैंने आपको बताए थे उस कोर्स में। जिसने खरीदे है उसको पता है ये मैं क्या बोल रहा हूँ। एनीवेज अगर नहीं भी खरीदा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी मेरे कोर्स की। 900 प्लस GST उसका चार्ज है, वन टाइम चार्ज है, बार बार आपको भरना है नहीं, बस एक बार वो इन्वेस्ट कर लो और दो सेशंस रिकॉर्डेड आपको मिल जाएंगे सवा सवा घंटे के, मतलब आपका ढाई घंटा जाएगा, लेकिन आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी मेरी जर्नी से भी रिलेटेड, और मतलब मैं कैसे स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, बहुत कुछ मिलेगा। और फिर 27 अगस्त को वापस लाइव आऊँगा ना, वापस हम मिल सकते हैं। भिगा दिया कहीं का, चलो पूरा भिगा दिया मेरे को। सो बेसिकली ये क्या था, समर्स का सीजन चल रहा है ना, जिसके कारण दिन में दोपहर के टाइम पे 3 बार ऐसा चीजें होती है, परेड निकलती है, वाटर परेड, जहाँ पे पानी के स्प्रिंकल छोड़ते हैं, फव्वारे छोड़ते हैं, यू नो, ताकि कि आपको गर्मी लगे ना। अरे मस्त लग रहा है अभी, सच कह रहा हूँ, मजा आ गया। या श्योर श्योर, या आ जाओ, 1 2 3, 1 2, अरे वो छुप रही है बिचारी, नीचे झुक जाओ। नो टर्की, नो टर्की, नो कैनेडा, इंडिया। वेलकम टू इंडिया, इन इंडिया वी से नमस्ते, नमस्ते, हाँ नमस्ते विथ फोल्डेड हैंड्स, नमस्ते, नमस्ते। व्हाट्स योर नेम बाय द वे? जेसी, अनीता, रीता, रीता, अनीता, जेसी, टेफनी, अरे नाइस टू मीट यू ऑल, एंजॉय एंजॉय, बाय। ये 40वीं सालगिरह है टोक्यो डिज्नीलैंड की, जिसकी वजह से यू नो थोड़ा उस हिसाब से सजाया, आई मीन 40 नंबर हर जगह मिलेगा, ऐसा नहीं कि 40वीं सालगिरह है तो आपको डिस्काउंट विस्काउंट मिलेगा 40%, ये मत समझना, कोई डिस्काउंट नहीं देता। हालांकि एक आधा शो डेली ज़्यादा होता है, ये साल पूरा ऐसे ही चलेगा मार्च 2024 तक ना, 1 अप्रैल से चालू हुआ है 2023, मार्च 2024 तक एक आधा शो कोई एक्स्ट्रा होगा, और 40 साल की यू नो सालगिरह मनाएंगे ये लोग बस। डिज्नीलैंड में यार राइड्स तो इतने होते नहीं है, कम ही होते, लेकिन मेरे को बहुत पसंद है, इसका कारण ये है कि बनावट, जो फोटोजेनिक जगह रहती है ना, ओए होए दिल खुश हो जाता है, जो कंस्ट्रक्शन, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ये चीज़ बनाते हैं ना, कलरफुल, मज़ा आ जाता है, सच कह रहा हूँ। 1 आइए पधारिए, ओके अभी स्टार्ट कर ही लेते हैं राइड में बैठने की, है ना, शुभारंभ कर देते हैं डिज्नीलैंड टोक्यो के राइड्स अनुभव करने के। चाबी किधर है, किधर है चाबी, किधर है? चक्कर सी आ गई भैया। ऐसा घर बनाना है कि ये चीज मैं बना सकूं घर में यार, जस्ट इमेजिन, चाहे आपकी उम्र कोई भी हो, बच्चे हो कि बूढ़े हो, कितना एंजॉय करोगे यार इस जगह पे, कितना प्यारा है।
और हाँ घर भी ऐसा बना होगा, कितना मस्त दिख रहा है ना घर। और फिर घर में ऐसी पटरियां भी डाल दूंगा ताकि के एक रूम से दूसरे रूम जाना हो ना तो मस्त मिनी ट्रेन टॉय ट्रेन भी डाल दूं तो उसका भी अलग मजा आएगा। कुछ ज्यादा हो गया ना ये। इतनी बड़ी लाइन तकरीबन 35 मिनट तो हो गए हैं और 10-1 मिनट लगेगा फिर आ जाएगा हमारा नंबर। ऑलमोस्ट आ ही चुका है वैसे, 5 मिनट लगेगा मैक्सिमम। ये नंबर आ गया और हम एक नंबर पे भी खड़े हो गए हैं। सबसे स्टार्टिंग में बैठेंगे। ओए होए 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 ओए, बस जब फास्ट होगा तब डर लगेगा, तब ये फ़ोन थोड़ा टाइट पकड़ना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं, बाकी तो सब बढ़िया है। चलो चिल्लर ना गिर जाए मेरे। ओए 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 ओ तेरी, ओए क्या बात है, क्या बात है, ओए ए मेंढक तू पानी छोड़ रहा है। वाह 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 वाह, मजा आ गया भैया। छोटा राइड था लेकिन बहुत फनी था, इंजॉयबल था, मज़ेदार था। बताओ ये 50 सेकंड की राइड के लिए 50 मिनट वेटिंग करना पड़ता है, यही उसूल है जिंदगी का। जो चीज़ अच्छी लगती है ना उसके लिए बहुत इंतजार करना पड़ता है। इंसान 9 से 5 नौकरी करता है ताकि 2 वक्त की रोटी खा सके। यहाँ पे ना डिज्नी आइसक्रीम्स मिलती है, येलो कलर की है, मतलब मैंगो फ्लेवर रहेगा, और पीच एंड रास्पबेरी पिंक कलर का। इसमें तो एग वेग कुछ नहीं आता है बिकॉज पानी और फ्लेवर रहता है, दैट्स इट। तो अपन भी लाइन में लग जाते हैं, जी हाँ ये उसी के लिए लाइन है, लाइन में लग जाते हैं और अपन भी खा लेंगे मिकी वाली आइसक्रीम। अच्छा ये मिकी है, ये मिनी है, तो इसको ही खाना ठीक है। आई मीन पिंक कलर अच्छा लगेगा, रास्पबेरी वाला फ्लेवर। ये ट्रॉपिकल फ्रूट पता नहीं कैसा लगेगा। 350 येन रेट है, मतलब 200 रुपये के आसपास इंडियन करेंसी में। थैंक यू सो मच, भाई साहब आए मुझे पूरा समझाने कि अंदर क्या क्या चीज़ें है। ठीक है, इनको भी डाउट था कि हो सकता है ये वेज हो या नॉन वेज हो, बेचारे ने पूरा अच्छे से समझाया। अच्छा ये देखो, ये 50 का सिक्का है, ये 100 का सिक्का है, और ये मेरी मिनी आइसक्रीम आ गई है, और ये लाइन बेचारी वेट करी है। अरिगातो। गर्मी में ये खाने का अलग ही मजा है, सच कह रहा हूँ। बचपन में नहीं खाते थे पेप्सी कोला, मैं तो बहुत खाता था, लेकिन इसमें ज्यादा फ्लेवर है। आई मीन जो पीच और रास्पबेरी जो भी है, बर्फ से ज्यादा उसका फ्लेवर आ रहा है, तो मजा भी आ रहा है। सो अभी हम आ चुके हैं स्पेस माउंटेन रोलर कोस्टर राइड का अनुभव करने। ये फास्टेस्ट राइड है यहाँ पे, जाहिर सी बात है शूट हो नहीं सकता बिकॉज बहुत फास्ट होगी रोलर कोस्टर राइड, ऊपर से अंधेरा भी होगा बिकॉज स्पेस वाला माहौल है। यहाँ पे 55 मिनट्स का वेटिंग पीरियड था जिसकी वजह से मैं अंदर घुस गया, और यू नो लगभग हो गया 40 मिनट्स, अभी 15 मिनट में आ जाएगा नंबर। मैंने इसको अंडर एस्टिमेट किया था भाई, ये बहुत फास्ट थी। शिट रियली मैन, मैंने फोन ऐसे ही रख दिया था टाइट पकड़ के बिकॉज ये रियल में बहुत फास्ट है यार। एक घंटा जो वेट किया ना पूरा वसूल निकला, सच कह रहा हूँ। मतलब इतनी फास्ट मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं करी थी। हालांकि वो बेचारे बार बार अनाउंसमेंट कर रहे थे कि भाई ये सुपर फास्ट है, संभालना, ब्लड प्रेशर है तो मत आना, प्रेग्नेंट वुमेन है अगर कुछ महीने के ऊपर है तो मत बैठना इसमें, मतलब हर चीज़ बार बार बता रहे थे। मेरे को लगा कि स्पेस माउंटेन जैसे हांगकांग डिज्नीलैंड में कैसा था, हमने एक्सपीरियंस किया ही था, फास्ट ही था लेकिन ठीक ठाक था, मेरे को लगा सेम रहेगा ना, लेकिन नहीं भाई ये तो उससे डबल ट्रिपल फास्ट थी। मेरे को फरारी वर्ल्ड की याद दिला दी 240 की स्पीड में जो भागी थी, लेकिन हालांकि ये इतना स्पीड तो नहीं रहेगा 240, फिर भी बहुत अच्छा स्पीड था। मस्त है ना ये, काम करता हूँ बैग वैग रख देता हूँ यार, सब बिक जाएगा वरना।
क्या करूँ, ये ले लूँ क्या? अच्छा तो लग रहा है और कुछ अलग है। 5,200 yen मतलब 3,3100 इंडियन रुपीस, कोई खोटा नहीं है, बिकॉज क्वालिटी तो अच्छी है ही है और डिज्नी लैंड का यू नो लाइक मिकी कार्टून पूरा वो सब सीन है। ले ही लेता हूँ मोहतरमा। तो भाई साहब टोटल बिल हुआ 5,220 इसका लगा ठेली का। सही है, कोई नहीं, 12 रुपये की ठेली मिल रही है। और ये 5,200 का ये हुडी। हेलो, कौन बोल रहा है? जी मैं प्रतीक जैन बोल रहा हूँ मुंबई इंडिया से, लेकिन इस वक्त टोक्यो जापान के डिज्नीलैंड में हूँ और मेरे को एक कंप्लेंट ठोकनी है। कंप्लेंट ये है कि 20% लोग ही मेरा वीडियो देखते हैं जो सब्सक्राइब करे हैं, बाकी 80% जो मेरा वीडियो देखते हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। बड़ी नाइंसाफी है, प्लीज़ सब्सक्राइब करने बोलो उनको। ओके बाय। ये देखो कितनी सारी पब्लिक बैठी है लेन के दोनों तरफ, हर जगह पब्लिक बैठी है, बिकॉज 20 मिनट बाद ना अभी परेड स्टार्ट होने वाली है जिसमें मिकी भाई मिनी बहन ये सब आएंगे। पता नहीं अभी कौन आएगा, जो भी है मिकी माउस का परेड होने वाला इतना पता है। 1 घंटे से ऊपर हो गया मैं देख रहा था, धीरे धीरे पब्लिक बैठे जा रही थी, मेरे को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब पता चला है कि क्यों बैठी है। मस्त परेड थी ना, मजा आ गया। हांगकांग के डिज्नीलैंड में ये अनुभव नहीं हो पाया बिकॉज जून के महीने में, मतलब साल का जो एक महीना रहता है ना जून, उसमें वो लोग नहीं रखते परेड। यार पता नहीं यहाँ पे 2-3 लाइनें थी, लगता है मैं गलती से VIP की लाइन में घुस गया हूँ। मतलब हालांकि बाहर चेकिंग तो हो रही थी, वो टिकट रहती है ना 2,000 yen एक्स्ट्रा देने का, तो आप किसी भी एक राइड में बिना लाइन आ सकते हो, एंटर हो सकते हो अंदर। यहाँ पे भी 1.5 घंटे की लाइन है और लोगों ने 2,000 yen की खरीदी होगी और उन्होंने एंटर किया होगा, लेकिन पता नहीं मेरे हिसाब से अगर आगे चेक करेंगे रोकेंगे तो देख लेंगे, वरना तो जाते हैं ना यार। ये देख लो अभी 1.5 घंटा कहाँ ये लाइन में लगू ना, हो सकता है कि मैं अकेला हूँ तो मेरे को VIP की लाइन में डाल दिया, मेरे को पता नहीं गलती से डाला कि क्या देख कर डाला। यार VIP लाइन प्रायोरिटी पास ऐसे ही थोड़ी ना देते, 2 बार चेकिंग होती है, नीचे भी होती है, नीचे किया नहीं मेरा, लेकिन ऊपर भी ऐसा बारकोड स्कैन करना पड़ता है तभी एंटर। मेरे को बोला बारकोड है क्या प्रायोरिटी का, मैंने बोला नहीं है जी, बोला कि फिर वो लाइन में कैसे आ गए आप, मैंने बोला मेरे को क्या पता, लिखा थोड़ी है नीचे, ये प्रायोरिटी है ऑर्डिनरी। अब ऑर्डिनरी वाला 1.5 घंटे का लाइन है, मेरे को बोला प्लीज वेट अ मोमेंट, मैंने बोला ठीक है, मैंने बोला कि अकेला हूँ यार इसलिए शायद जाने दिया होगा, देखते हैं अभी क्या वो लोग डिसाइड कर रहे हैं कुछ तो। थैंक यू सो मच, अरिगातो। वाह जय श्री राम, यही बोलना चाहूंगा भाई, मेरे को दे दिया और सॉरी भी बोल रहे, 5 मिनट वेट कराए इसलिए, मैंने कहा कि क्यों सॉरी, अरिगातो मतलब थैंक यू इनफैक्ट। वाह अकेला 30, अच्छा 13 बोला ना। ओए अरे वाह, ओए ओए ओ तेरी क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है भाई, ओए मस्त है यार, मजा आ गया यार, दिल खुश हो गया। आई लव रोलर कोस्टर यार, सच में मेरे को बहुत पसंद है रोलर कोस्टर, जहां भी जाता हूँ रोलर कोस्टर तो पहले बैठता हूँ। कोनिचीवा, क्या बात है, शाबाश, अरे वाह 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 वाह, ये सबसे बेस्ट राइड थी मानना पड़ेगा, 3 मिनट की राइड थी, मतलब आप सोच सकते हो कितनी बड़ी राइड अब जाके खत्म हुई है। वाह
ये देखो, ये एंट्री में प्रायोरिटी पास या फिर वो टिकट चेक होती है, जो अगर 2000 येन की ली है या फिर महंगी टिकट खरीदी है डिज्नीलैंड की। हाय, थैंक यू भाई, तुम्हारी वजह से मेरा इतना फास्ट हो गया, 1.5 घंटा बच गया। इसका नाम क्या था? बिग थंडर माउंटेन। जोरदार है ये, मजेदार है। ये है चौथी रोलर कोस्टर डिज्नीलैंड टोक्यो की। टोटल 4 रोलर कोस्टर है यहाँ पे। मेरे को लगा था पहले 2 में ही बैठ पाऊंगा, लेकिन 3 में बैठना हो गया अपना, और ये चौथा ये स्प्लैश वाला है। इसमें 120 मिनट की वेटिंग है, मतलब टोटल 2 घंटे की वेटिंग है। इधर जुगाड़ नहीं हो सकता, बिकॉज हर जगह थोड़ी जुगाड़ हो जाएगा, एक बार होता है तो बार बार नहीं होता है, ये मेरे को पता है जिंदगी का उसूल। तो अपन क्या करते हैं, इसको स्किप कर देते हैं। मैं आपको दिखाने लाया था कि स्प्लैश माउंटेन है कैसा रोलर कोस्टर, बस ऊपर जाता है और नीचे आ जाता है और जोर से आता है, जिससे पानी आप पे उछलता है। दैट्स इट, मेनली 30 सेकेंड्स का रहेगा बस, ज्यादा से ज्यादा। भाई 2 घंटा वेट करके सिर्फ 30 सेकेंड का है, इससे अच्छा मैं वापस बिग थंडर में चला जाऊँ। 3 मिनट का राइड तो था और बहुत ही शानदार था सच में। ये तो क्या ना, वेट एंजॉय हो गया, अपना वाटर किंगडम में भी तो था, ये सब बहुत बैठ चुका है। पानी तो उछलता है, पानी तो ऐसे भी वो फवारे मार ही रहे उधर। नहीं ऐसी बात नहीं है, ये भी जाना बनता है, लेकिन वही बात है कि टाइम अभी इतना है नहीं, अभी चारों रोलर कोस्टर में बैठना भी पॉसिबल नहीं होता है भाई एक दिन में। ये देखो, इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड। इधर भी एक एक घंटे के नीचे नंबर नहीं लगता आपका, लेकिन अभी पूरी खाली है, चले जाते हैं इधर भी। हाय, मेरे को पता नहीं था स्मॉल वर्ल्ड ऐसा बोट वोट का सीन है कुछ, जो भी है, लेकिन ये बात है कि 5 मिनट के अंदर अंदर नंबर आ गया और बैठने का अवसर मिल गया। अच्छा भाई, मेरे को ये कलर्स बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों यार, एकदम ऐसा रंग बिरंगी चीजें होती है ना, मेरे को काफी खुशी मिलती है दिल में। और यहाँ पे कैसा है पता है, 3-4 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन अगर आप अकेले हो, सोलो ट्रैवलर हो, तो पूरी सीट आप ले सकते हो, मतलब कोई दिक्कत नहीं, वो लोग दूसरे को नहीं बिठाते। क्यूट लग रहे ना सबकी, घर पे लेके जाने का मन कर रहा है मेरे को तो। अभी फुल अंधेरा हो गया है बिकॉज 7:40 हो गया है, और 7:45 को ना परेड चालू होती है, इलेक्ट्रिक परेड, जो कि यही से स्टार्ट होगी। तो बहुत सही जगह मिली है बैठने को, यहाँ पे जो भी बैठे हैं ना तकरीबन 1.5 घंटे से बैठे, सच कह रहा हूँ। फिर यहाँ पे जगह खाली थी तो मैंने इनसे पूछा, इन्होंने पहले तो मना किया, बिकॉज इनको लगा रहेगा कि अकेला तो कौन ही आता है, तो ग्रुप में आए रहेगा ये लोग भी, एक आके 3-4 लोग आ जाएंगे। फिर ये भाई साहब ने इनको बोला कि नहीं, सिर्फ एक ही जन है, ये सोलो ट्रैवलर है, तो इन्होंने मेरे को परमिशन दे दी। अरिगातो, अरिगातो। क्या बोलता है डोनाल्ड डक? बढ़िया। Together, yeah, sure, why not? Selfie? Yeah. Can I come? Okay. Okay. Thank you very much. Welcome. Thank you. Bye bye. तो लो जी, रात के बज गए 8:30 और ये डिज्नीलैंड टोक्यो का रात को 9 बजे बंद हो जाता है, मतलब आप कह सकते हो 12 घंटा, सुबह 9 से रात के 9 तक।
ओवरऑल अगर एक्सपीरियंस की बात करूँ तो शानदार गया। आई मीन जो जो चीजें करनी थी सारी चीजें करी, जैसे कि दोनों परेड्स देखनी थी वो देख लिए, रोलर कोस्टर राइड्स करने थे वो भी कर लिए, वो सिंड्रेला ने पता नहीं कौन से शो वो भी हो गए, और जो नहीं करने थे वो भी हो गया, जैसे कि शॉपिंग हल्की फुल्की की, लेकिन की तो सही ना। ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा गया, $60-64 जो भी इसका टिकट है पूरा पैसा वसूल है। और अगर हांगकांग डिज्नीलैंड से कंपेयर करूँ ना तो ये टोक्यो का ज्यादा बेटर है, ज्यादा पंजेंट है, अट्रैक्टिव है। हांगकांग का डिज्नीलैंड पता नहीं सेम वैसा ही है जैसे 15 साल पहले था, कुछ अपग्रेड नहीं हुआ है, यहाँ पे थोड़ा अपग्रेड भी हुआ है, क्लीनलीनेस ज्यादा है, अच्छा लगता है। खाने पीने की अगर बात करूँ तो आप लेके आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि इंडिया के एम्यूजमेंट पार्क में खाना पीना अलाउड नहीं है, है ना, लगभग 95% आपको लेके आने नहीं देते, लेकिन यहाँ पे या फिर कोई भी दुनिया में काफी जगह में जाता हूँ ना देशों में, तो एम्यूजमेंट पार्क में अलाउड रहता है, तो ये अच्छी बात है। हालांकि इंडिया से 3-4 गुना एंट्री फी ज्यादा रहती है और राइड्स भी कम रहती है, लेकिन कोई नहीं, यहाँ पे भी पैसा वसूल होता है, जैसा देश वैसा भेस वही बात है। चलो तो बहुत हो गया कंपैरिजन शंपैरिजन, आई मीन वक्त भी हो गया ना वापस बैक टू शिंजू को जाने का, वही मेट्रो से चले जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ओवरऑल ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल एंड, लव यू ऑल, यू ही बने रहिए बिकॉज आगे आने वाले जापान के वीडियोस और भी धमाकेदार मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय टोक्यो का डिज्नीलैंड। अभी देखते हैं नेक्स्ट डिज्नीलैंड कहाँ का देखने मिलेगा, आई मीन शंघाई का बाकी है, पेरिस का बाकी है, यूएस का बाकी है, बहुत बाकी है अब तक।